कि कैसे बिहार की एक सीट हॉट सीट बन गई है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में भूमिहार बना भूमिहार, मोकामा में बीजेपी बनाम छोटे सरकार, सियासी जंग में बाहुबली पत्नियों की दरकार। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह अयोग्य करार दे दिए गए। घर से AK-47 की बरामदगी के बाद 10 साल की सजा हो गई। उनके अयोग्य करार दिए जाने के बाद मोकामा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अनंत सिंह ने उपचुनाव में अपनी जगह पत्नी नीलम देवी को उतारा है। मोकामा की सियासत का ट्विस्ट समझिए। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी RJD की उम्मीदवार है। RJD और JDU इस वक्त एक ही पाले में। अनंत सिंह की नीतीश कुमार से खटपट चल रही है। अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी होते थे, अब अनंत की पूरी RJD से खटपट है। मगर सियासत का पेच ऐसा है कि अब नीलम देवी RJD से उम्मीदवार है। नीतीश कुमार का खेमा खामोश है, बोल रहे हैं तो केवल अनंत सिंह। मेढक जो होता है बरसाती है, उसको टिकट भाजपा दे दिया है। भगवान जो है हमारा जनता, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या है। एक गिलास किसी को पानी पिलाया है, चिड़िया खाना घूमता है, बच्चा पढ़ाता है गाड़ी पर ले जाके, यही काम है सालों का। जब इलेक्शन आता है कभी ये बरसाती मेढक है, सब कुछ नहीं। जमानत जब आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट रहे? जमानत जब तो सब है ये नहीं कुछ है। एक गिलास पानी नहीं कभी किसी को पिलाया होगा। बरसाती मेढक है, बरसात जब आता है टेटे करने लगता है, फिर बरसात खत्म, फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। मोकामा का क्या माहौल है सब? इस बार तो गठबंधन हो गया, JDU RJD सब साथ दिख रहा है पूरा? हाँ सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ललन सिंह नीतीश कुमार सब साथ हैं? हाँ सब साथ हैं, सब साथ देंगे। हाँ जनता में सब दिख रहा है। मोकामा की जनता से क्या कहेंगे? मोकामा जनता कुछ कहे कोई जरूरत नहीं है, कह तो रहे हैं भगवान है हमारा। ठकुरबाड़ी में गोर लगे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जनता के गोर लगे तो इतना मजूरी मिला कि जितना हमको आशा नहीं था। इस बार फिर जीतता है, कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगा। विरोधी का के देगा बैंक के वोट? ये है कुछ नहीं है। वो कह रहे थे कि देता है काम करने वाला का वोट, इज्जत देने वाला का वोट, जो गिलास में पानी जरूरत पड़े तो मिल जाए उसको वोट देता है। विरोधी जो कभी जीवन में सीखवे नहीं किया है, एक गिलास पानी किसी को पिलाया है गोबर में, एक और खाना खिलाया है गरीब के गाँव में, जानवो करता होगा गरीब अभी क्या होता है। विरोधी आप कह रहे थे कि आप भय का माहौल कायम किए मोकामा में, जो जिनको टिकट मिला वो कह रहे थे? नहीं, भाई से वोट पच पच जो विधायक रहे भाई से वोट नहीं मिलता है। हमको जनता से प्रेम है, जनता से प्रेम करता है, हम भगवान मानते हैं। आइए अब अनंत सिंह के काउंटर कैंडिडेट की सुन लीजिए। बाहुबली विधायक ललन सिंह कुछ दिन पहले तक JDU में थे, लेकिन अब JDU छोड़ BJP का दामन थाम लिया है। वजह फिर वही, नीतीश कुमार से फुन्नस है। लेकिन ये तो सही कि उम्मीदवार महिलाएं हैं, लेकिन सबको मालूम है जो मुकाबला है उनके पतियों के बीच में है, यानी दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला है, अनंत सिंह और ललन सिंह। उम्मीदवार के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा उन लोगों को। एक तरफ जो उम्मीदवार है उनके ऊपर भी 5 मुकदमा है, हमारे पत्नी पर कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन दोनों तो बाहुबली माने जाते हैं। बाहुबली कह रहे हैं नहीं तो प्रेस मीडिया, जनबल जिसके पास जनता का बल है वही आज के डेट में बाहुबली है, अन्यथा कोई बाहुबली नहीं है। उधर विवेका पहलवान है तो इधर सूरज भान सिंह है। विवेका पहलवान तो मैंने हम क्या कह सकते हैं, हम लोग आज तक उनको आदर किए हैं, बड़े भाई की तरह माने हैं। आज हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, अगर जो इससे बोलने से उनके घर में शांति कायम रहे तो भगवान से मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह का भाषा अपना यूज करें जो कर रहे हैं। इस बार जो हाल में राजनीतिक उठापटक बिहार में हुआ, जो सियासी समीकरण बदला, उसका भी असर मोकामा में दिखेगा, चूंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए? जी उसका ही तो असर है, हम भी तो थे JDU में पहले और इसी परिवार से मुक्ति के लिए JDU में गए थे। ललन बाबू जब चुनाव लड़ रहे थे इसी नीलम देवी से लोकसभा का, तो हमने उनका साथ लिया कि उस परिवार से मोकामा, तो लोकसभा में तो हम लोग लपेट के भगा दिए, और जब विधानसभा का समय आया फिर देखे सब लोग एक हो रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह से उस परिवार से मोकामा विधानसभा को मुक्त कराना है, इसलिए हमने दल छोड़ करके दूसरे दल को साथ दिया।
मोकामा में क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा इस बार, क्या परंपरा टूटेगी जो लगातार पिछले 5 बार से देखने को मिल चुका है? टूट चुका है, परंपरा टूट चुका है, बस घोषणा भर बाकी है। ललन सिंह दो बार मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार 2005 में LJP और 2015 में जन अधिकार पार्टी से। 2010 में उनकी पत्नी सोनम देवी LJP से अनंत सिंह के खिलाफ लड़ी, लेकिन ललन सिंह या उनकी पत्नी को कभी जीत नहीं मिली। ललन सिंह मोकामा के बाहुबली पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज भान के करीबी रहे हैं। सूरज भान मोकामा से खुद विधायक रह चुके हैं, मगर वो मोकामा की अपनी राजनीतिक विरासत ललन को देने की कोशिश में हैं। एक जमाने में सूरज भान की अनंत सिंह और उनके भाई दिलीप सिंह से काफी अदावत थी। जब सूरज भान सांसद बन गए तो मोकामा पर अनंत सिंह का कब्जा हो गया। सूरज भान का स्टैंड क्या है, उनसे ही सुनिए। पूरे देश एक आदमी को जानता है, उनका है नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। रह गई सवाल दो जगह उपचुनाव, ये उपचुनाव से अंजाम होना है कुछ की सरकार बनेगा या गिरेगा, लेकिन रह गई सवाल कौन विधायक है और किनको टिकट मिली, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। और यहां आपके यहां अगर हम मजदूरी करें तो क्या हमें मजदूरी, जिससे कि रात में आप हमको भोजन दीजिएगा कि नहीं, मजदूरी दीजिएगा कि नहीं। मोकामा ये अपने आप में एक ऐसी जगह है, ये पुशराम की धरती है, बाबा पुशराम का यहाँ बर्दस्त है। मोकामा की जंग भूमिहार बना भूमिहार है। अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में दो भूमिहारों की पत्नियों के बीच का मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को महागठबंधन उम्मीदवार होने के नाते RJD के साथ साथ JDU का वोट बैंक भी इस बार मिलने की उम्मीद है। अनंत सिंह का मोकामा में अपना बड़ा जनाधार भी रहा है, लगातार 5 बार से जीतते आ रहे हैं। रॉबिनहुड किस्म की छवि है, निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, उनके भाई दिलीप सिंह भी यहाँ से जीतते रहे थे। मगर इन सारी बातों से दिलचस्प है RJD की उनसे सहानुभूति। बिहार ने वो दौर भी देखा है जब लालू यादव भूमिहारों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते थे, अनंत सिंह खुद इसके सबूत हैं। देखो छोटा सा है, छोटा सा है मोकामा वाला, नाम क्या है, देव जेल में भिजवाए हम लोग सब लोग, देखो यादव के पकड़ के ले जाके मार मार के नाखून नोच नोच के और जान मार दिया, उसका नाम अनंत सिंह। बजाओ हो चादर रोते हुए हमारा बोकर के नोच नोच के मार दिल कहीं तो कहते हैं राजनीति रहे या नहीं रहे, नीतीश कुमार को हम कहा मुकामा भूमिहार बहुल क्षेत्र है। 1995 के बाद BJP ने यहाँ पहली बार उम्मीदवार उतारा है। ये उपचुनाव ऐसा है जो तय कर देगा कि भूमिहार आगे किस करवट बैठेगा। भूमिहार मूलतः BJP का वोटर रहा है, मगर मुकामा में BJP नीतीश के सहारे रही है। इस बार ललन सिंह के समर्थकों को मोदी के चेहरे पर भरोसा है। चिराग पासवान ने भी यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। दरअसल मुकामा भूमिहारों की सेंटिमेंटल सीट है। इस वक्त BJP का सारा जोर भूमिहारों को अपने साथ जोड़े रखने पर है। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा तक शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री CP ठाकुर के बेटे विवेक भी इन्हीं में गिने जा रहे हैं। भूमिहारों के बाद मोकामा में ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान वोटरों की तादाद है। वहीं इस सीट पर राजपूत और दलित समुदाय के भी वोटर हैं। मगर पलड़ा हमेशा उसी का भारी होता है जिसके पाले में भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत वोट आता है। India TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें India TV News Google Play Store या App Store पर।